जौनपुर महाराजगंज क्षेत्र के उदयभानपुर कोलुआ में आयोजित चैंपियन रूल आउट क्रिकेट प्रतियोगिता में सुजानगंज की टीम ने जीत को अपने नाम किया। आपको बता दें, चैंपियन रूल आउट क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल मैच में सुजानगंज की टीम पहले खेलते हुए 8 ओवरों में 84 रन बनाए, जवाब में सरसरा की टीम 74 रन पर सिमट गई। इस तरह प्रतियोगिता में सुजानगंज ने जीत अपने नाम की। वही मैन ऑफ द सीरीज अवनीश को मिली। इस दौरान विजेता टीम को धर्मेंद्र सिंह, साधु सम्राट, राहुल देव सिंह व आयोजक टीम राजकुमार सिंह, मोनू विश्वकर्मा अध्यक्ष, अंकित सिंह उपाध्यक्ष, रामा सिंह द्वारा पुरस्कृत किया गया। नेताजी कुमार सिंह सुपर सेक्शन के प्रोपराइटर हूँ मैं, और यहाँ आए मैच में आप क्या कैसा आपको लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सब बच्चे बहुत मेहनत करके खेल रहे हैं और ये हम हमेशा ये चाहेंगे कि यहाँ से कुछ न कुछ अच्छे प्लेयर निकलें और जो हमारा सहयोग रहेगा हम इन बच्चों को देते रहेंगे। ओके, और कुछ कहना चाहते हैं बच्चों को इस खेल तरीके में? कुछ ऊर्जा देना चाहते हैं अपने भावनाओं को? ऊर्जा यही देना चाह रहे हैं कि बच्चे और अच्छा अथक प्रयास करके मेहनत करें। यहाँ हमारे क्षेत्र से कुछ बच्चे अगर इनके प्रयास निकल रहे हैं हमको बहुत बहुत खुशी होगी। और अंकित हुए, राजकुमार हुए, जो भी हैं इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, हमको जो भी आदेश करेंगे हम उसको करने के लिए एकदम 24 घंटे तैयार हैं। बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है, मैं इस टूर्नामेंट का आयोजक महोदय हूँ। तो मैं चैंपियन रूल आउट क्रिकेट प्रतियोगिता लमसम 13 से 14 साल से करवा रहा हूँ, और लमसम ये हमारे हिसाब से मैं हर साल ये चैंपियन रूल आउट क्रिकेट प्रतियोगिता कराऊँगा, और मेरा जो सहयोग रहेगा मैं पूरा सहयोग देता हूँ। और हमारे चाचा जी श्री धर्मेंद्र सिंह जी हर वर्ष लमसम, मैं जब भी इनको याद करता हूँ टूर्नामेंट में, हर बार ये सम्मिलित होते हैं। और टूर्नामेंट का कितनी टीम आई है लगभग यहाँ? क्या कितनी टीम आई है? लमसम 30 टीम आई है। अच्छा, 30 टीम की एंट्री हुई है जिसमें बेस्ट ऑफ 3 में 3 टीम पहुँची है, सरसड़ा है, सुजानगंज है और ब्लैक कोबरा है। ओके, जौनपुर से KKD न्यूज़ ब्यूरो ओम प्रकाश के साथ सरी सिंह।